मैम मैं क्या करूं, मेरा बस्ट साइज बहुत ज्यादा है मैम, मेरे बाल भी जो हैं सफेद हो रहे हैं और मैं मोटी भी बहुत होती जा रही हूँ, मेरी जो आईब्रोज हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी हैं। मैम मैं क्या करूं, मेरे जो लिप्स हैं ना बहुत ही ज्यादा पतले हैं। मैम मेरी आंखें देखिए कितनी छोटी हैं। मैम मैं तो सबसे ज्यादा परेशान हूँ अपने वाइट हेयर से, कुछ भी पहनती हूँ अच्छा ही नहीं लगता। ओ माई गॉड, तो आप भी हैं इन्हीं सब में से, तो चलिए चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरती की, कि कैसे लग सकते हैं हम और ज़्यादा प्रिटी और ज़्यादा अट्रैक्टिव, कुछ छोटे छोटे हैक्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। सो यू थिंक यू हैव स्मॉल आईज, लेकिन आपको नहीं पता कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं वो कितनी ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी आँखें आपकी तरह हों। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी आंखें बहुत छोटी लगती हैं, तो आप यूज कर सकती हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस का। जब भी हम ऐसे लेंसेस को लगाते हैं तो हमारी जो आईज हैं वो अपने साइज से थोड़ी ज्यादा बड़ी अपीयर होती हैं। तो आप इस ट्रिक को अपना सकती हैं और लेंसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो छोटी आंखें हैं बहुत ही ज़्यादा मदहोश कर देती हैं सबको और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। लेकिन फॉर अ चेंज आप बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं लेंसेस को। और अगर आप लेंसेस नहीं लगाना चाहती तो आप लगा सकती हैं वाइट काजल या न्यूड काजल अपनी आंखों में, उससे भी जो आपकी आंखें हैं बड़ी नज़र आएंगी। तो आपको लगता है कि आपकी आईज बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं, यानी कि सिर्फ आपके फेस पर आपकी आंखें हैं जो सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मैं डेली बेसिस पर सॉल्व करती हूँ अपने सेशंस में। तो अगर आपको लगता है आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं तो आप ब्लैक काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ब्लैक काजल को सिर्फ आँखों के अंदर लगाते हैं, मैं स्पेसिफिकली यहाँ बोल रही हूँ आँखों के अंदर, तो जो आपकी आँखें हैं बड़ी नहीं नज़र आती, आपकी आंखों के साइज से थोड़ी कम नजर आती हैं। लेकिन अगर आप आंखों के अंदर काजल लगाएंगी और बाहर आउटलाइनिंग दे देंगी आई शेडो से, तो आंखें जो हैं बड़ी लगने लगेंगी। तो आपको अगर आंखों को छोटा दिखाना है तो आप सिर्फ ब्लैक काजल का इस्तेमाल करें। बट आई मस्ट टेल यू कि बड़ी आंखें कितनी खूबसूरत लगती हैं, ये आपको पूछना चाहिए जिनके पास बड़ी बड़ी आंखें नहीं हैं आपकी तरह। और अगली परेशानी है हमारे बालों की, खासकर उन लोगों की जिनके बाल अभी अभी ग्रे होना शुरू हुए हैं, हल्के हल्के कान के पास से या हल्के हल्के सेंटर से। फोटोग्राफ्स में तो सबसे ज़्यादा चमकते हैं ग्रे हेयर, और मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे वीडियो शूट करना होता है और टचअप ड्यू होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप घर पर ही टचअप भी कर सकते हैं। और अगर आप वो हैं जिसे अपना नेचुरल हेयर कलर नहीं पसंद, तो सैलून पर डिपेंड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बिल्कुल सैलून जैसा बी ब्लंट के सैलून सीक्रेट हाई शाइन क्रीम हेयर कलर को यूज करके अपने कलर को चेंज कर सकते हो बिना सैलून जाए हुए। और इसमें आपको 7 डिफरेंट शेड्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो पिक योर बेस्ट शेड एंड लेट दैट हेयर शाइन। और ये जो हेयर कलर है इसे एक्सपर्ट्स ने इंडियन स्किन टोन और टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एमोनिया फ्री है। इस बॉक्स में आपको 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मिलते हैं, कलर डेवलपर एंड शाइन टॉनिक। और शाइन टॉनिक वो चीज़ है जो अभी तक आपके कलर में मिसिंग थी, या आपके बालों के मॉइस्चर को लॉक करके आपके बालों को ज़्यादा शाइन देता है। और इसमें सिल्क प्रोटीन भी है जो बालों में शाइन के साथ साथ उनकी इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है, जो बालों को ब्रेकेज से बचाती है। इसको लगाने के लिए एक नॉन मेटालिक बाउल में सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ब्रश से इवनली अप्लाई कर लीजिए। जैसे मुझे खाली अपने ग्रे हेयर को कवर करना है तो मैं सिर्फ अपनी रूट्स पर इस कलर को लगा रही हूँ। 30 मिनट्स तक आपको छोड़ देना है इसे अपने बालों में, एंड देन कलर प्रोटेक्टेड शैम्पू एंड कंडीशनर से वॉश कर दीजिए एंड यू आर डन। एंड ऑफ कोर्स अ पैच टेस्ट इज रिकमेंडेड 48 आवर्स प्रायर टू द एप्लीकेशन। एंड आई एम श्योर कि आपने ऑलरेडी बी ब्लंट का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि जब भी हेयर केयर एंड स्टाइलिंग की बात होती है तो बी ब्लंट का नाम
जरूर आता है। और जब भी आप बी ब्लंट का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपकी परचेज को लिंक करते हैं टू द वुमन दे एम्पावर थ्रू संभव फाउंडेशन एंड दे आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमेन अक्रॉस द नेशन विच इज अ ग्रेट कॉज। आप बी ब्लंट के प्रोडक्ट्स को उनकी वेबसाइट से खरीद सकते हो और यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि है HOPE20 फ्लैट 20% ऑफ के लिए। वैसे आपको बी ब्लंट Amazon, Nykaa और Flipkart पर भी मिल जाता है तो आप वहां से भी ले सकते हो। और इन प्रोडक्ट्स का लिंक और डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी हैं, तो डू चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वैसे कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकती हैं, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनलाइज सेशन में तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकती हैं मुझे और मेरी टीम को, जिसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब बालों से आते हैं लिप्स पर। जी हाँ, लोगों की प्रॉब्लम ये भी है कि उनके बहुत थिक लिप्स हैं, उन्हें लगता है कि उनके फेस के ऊपर उनके जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन किसको नहीं अच्छा लगता है एक खूबसूरत पाउट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने थिक लिप्स की जरूर कदर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनका साइज कुछ ज्यादा है तो इस्तेमाल कीजिए सिर्फ मैट लिपस्टिक्स का। मैट लिपस्टिक लगाने से आपके जो लिप्स हैं उनकी जो अपियरेंस है वो कम लगती है, तो आप मैट लिपस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो वो हैं जिन्हें लगता है मेरे लिप्स बहुत पतले हैं, मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन आपके लिए भी मेरे पास है एक बहुत ही इजी ट्रिक। आप मैट लिपस्टिक्स को छोड़कर यूज कर सकती हैं ग्लॉसी लिपस्टिक्स। और सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको आउटलाइन करनी है किसी डार्क कलर के लिप कलर से और उसके बाद उसे फिल करना है उससे एक टोन लाइट ग्लॉसी लिपस्टिक से, और आप देखेंगी कि कैसे आपके जो लिप्स हैं वो ज़्यादा फुलर लगने लगेंगे। और मैं यहाँ ये भी ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि लिप्स आपके जैसे भी हों बट स्माइल ज़रूर रखिए अपने फेस के ऊपर, उससे आप ज़रूर अट्रैक्टिव और प्रिटी लगेंगी। वाइड हिप्स, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि जो आपके हिप्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही कर्व्स हैं या उनका साइज जो है बहुत ही ज़्यादा है। बट आई मस्ट टेल यू कि वो आपके बॉडी शेप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। साड़ी जैसा गारमेंट आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज यू हैव वेरी कर्वी शेप। एंड आई नो दिस पेन, अगर आपको कभी कभी लगता है कि आपके हिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, क्योंकि मेरा बॉडी शेप भी पेयर है, बट बिलीव मी इसका नुकसान से ज्यादा फायदे हैं, तो enjoy कीजिए अपनी शेप को। लेकिन अगर फिर भी आप कॉन्शियस फील करती हैं तो हमेशा एक की पॉइंट को याद रखिए कि हमेशा अपने बॉटम वेयर को ढूंढते वक्त यूज कीजिए कुछ डार्क सॉलिड शेड्स को, उससे आपके हिप्स का जो विथ है वो कम नजर आएगा। और अब बात करते हैं उनकी जिनके हिप्स में बिल्कुल भी कर्व्स नहीं है, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं पैनकेक हिप्स या फ्लैट हिप्स। अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं कर्व्स को, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ इस किस्म की बॉटम में जिसमें ज्यादा डिटेलिंग हो। जब भी आप ऐसी डेनिम्स खरीदें या कुर्ते के साथ पैंट्स खरीदें तो देखें उस पे उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो या डिटेलिंग हो, क्योंकि जहां पर भी एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग होती है वहां पर सबसे जल्दी जो है नजर जाकर टिकती है। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकती हैं एक फुलर शेप देने के लिए अपने हिप्स को। एंड नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अगेन, बिग बर्स्ट। मैम मेरी बर्स्ट का साइज बहुत ज़्यादा है, मैम मेरा कप साइज बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करती हूँ, मैं टी शर्ट्स नहीं पहनती हूँ। आपको लगता होगा आप ही हैं सिर्फ इस प्रॉब्लम में, लेकिन बिलीव मी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं। लेकिन ये सीरियसली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कर्व्स कभी भी बुरे नहीं होते, वो आपके कपड़ों को बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। तो प्लीज़ इंजॉय कीजिए अपने कर्व्स को। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करती है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं कुछ डार्कर शेड्स का अपनी अपर बॉडी के लिए, और आप अवॉइड कर सकती हैं एक्सेसरीज को अपर बॉडी में जिससे कि आप अपनी बिग बस्ट को कैमोफ्लेज कर सकें। ये बहुत ही इजी तरीका है। और वो लोग जो हैं फ्लैट चेस्टेड या जिनको लगता है कि हमारी बस्ट में ज्यादा शेप नहीं है, हम क्या करें हमारा साइज इतना कम है, तो आपके लिए तो मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आप यूज कर सकती हैं पैडेड ब्रा, आप पुशअप ब्राज में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, और आप यूज कर सकती हैं कुछ इस किस्म का अपर वेयर जिसमें काफी सारी डिटेलिंग हो, यानी कि रफल्स हो,
प्लीट्स हों, ब्रॉड कॉलर्स हों, जिससे ज़्यादा फुलर लुक आएगा आपके बस्ट साइज में। वैसे मैं इतनी सारी और प्रॉब्लम्स को जानती हूँ हम फीमेल्स की कि मैं इस सीरीज़ में कम से कम 10 वीडियोस बना सकती हूँ, लेकिन आज मैं शुरुआत कर रही हूँ इस वीडियो से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। और अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए तो इस वीडियो के एंड में मैंने आपको दो वीडियोस का लिंक दिया है जो ऐसा करने में आपकी मदद करेंगे। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।